शादी के 3 साल में 3 दिन ही रहे साथ। आज जहां अदने से गांव के प्रधान भी आलिशान घर बनवा कर रहते हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन एक जर्जर मकान में रहती है। ये मकान है गुजरात के ब्राह्मणवाड़ा गांव में, जहां उनका मायका है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जसोदा बेन कितनी सादगी और त्याग भरी जिंदगी गुजार रही हैं। मामूली सी पेंशन से जसोदा बेन अपना घर चला रही हैं। मोदी के ससुराल ब्राह्मणवाड़ा गांव के लोग बताते हैं कि जसोदा बेन मोदी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती और उनकी फोटो हमेशा अपने पास रखती हैं। इतना ही नहीं, मोदी की फोटो की प्रतिदिन पूजा करती हैं। जसोदा बेन के पति के प्रति इस प्रेम को देखकर गांव वाले निहाल रहते हैं, इसलिए कि मोदी उन्हें बरसों से खुद से दूर किए हुए हैं, फिर भी जसोदा बेन में इतनी पवित्रता है कि उन्हें दिल में बसाए हुए हैं। शिक्षक पद से रिटायर होने के बाद 62 वर्षीय जसोदा बेन को महज 14,000 रुपए पेंशन मिलती है। इसी पैसे से वो गुजारा कर रही हैं। मायके में उनके साथ उनके भाई और उनका परिवार रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार बड़ोदरा लोकसभा सीट के लिए नामांकन भरते वक्त जसोदा बेन को अपनी पत्नी बताया। तब से जसोदा बेन और मोदी के रिश्ते मीडिया की सुर्खियों में आ गए। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जसोदा बेन ने इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में जसोदा बेन ने मोदी से रिश्ते पर खुलकर बात की थी। उसी समय जसोदा बेन ने कह दिया था कि मोदी जरूर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस दौरान उन्होंने बताया था कि उनकी शादी 17 साल की उम्र में हुई थी, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन मोदी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं। मोदी ने एक दिन उनसे कहा कि तुम्हारी उम्र कम है, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। अलग होने के बाद हमारे बीच कभी संपर्क नहीं रहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी आपका झगड़ा हुआ, इस सवाल पर जसोदा बेन ने कहा था कि हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। हमारी शादी 3 साल चली और हम सिर्फ 3 दिन ही साथ रहे। जसोदा बेन ने इंटरव्यू में कहा कि मोदी से अलग होने का फैसला उन्होंने खुद लिया। दोनों के बीच कभी विवाद नहीं हुआ। कई बार जब मैं ससुराल जाती तो वो वहां नहीं मिलते थे। बाद में उन्होंने घर आना बंद कर दिया। कुछ समय बाद मैंने खुद ससुराल जाना बंद कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि दूसरी शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि पहली शादी का अनुभव ऐसा मिला था जिसे दिल स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इस नाते मैंने दूसरी शादी का ख्याल ही नहीं सोचा। जसोदा बेन ने कहा कि मेरे ससुराल वाले अच्छा व्यवहार करते थे। मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, जिसमें मेरे पिता और भाई ने मदद की। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप कानूनी रूप से मोदी की पत्नी हैं, इस पर जसोदा बेन ने कहा कि हर बार जब उनका नाम लिया जाता है तो कभी कभी वहाँ मेरा भी जिक्र होता है। यदि मैं उनकी पत्नी नहीं होती तो आप भी मुझसे क्यों बात करते। क्या मोदी के पास वापस जाएंगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हम दोनों का आपस में कोई संपर्क नहीं रहा और मुझे नहीं लगता कि वो कभी कॉल करेंगे। मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मैं तो केवल इतना चाहती हूं कि वो जो भी कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।